आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ व्रत स्पेशल, नवरात्रि स्पेशल फलाहारी थाली की रेसिपी। इस थाली में मैंने बनाया है साबूदाना की पूरी, अनार के रायता, आलू की सब्ज़ी, खीरा और गाजर का सलाद और गाजर का हलवा। तो इस रेसिपी को आप लोग एक बार इस थाली को बनाकर देखिएगा। ये व्रत स्पेशल रेसिपी जो है, जो थाली है, बहुत ही स्वादिष्ट बनी है और आप लोग इस थाली को एक बार बनाकर खाएंगे तो आप लोगों को ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप लोग उपवास में हैं, आप लोग व्रत किए हैं। बहुत ही स्वादिष्ट थाली बन गई है और झटपट से बन गई है। तो आइए फ्रेंड्स, देर न करते हुए हम लोग जल्दी से देखते हैं कि ये व्रत स्पेशल थाली कैसे बनी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ललिता और स्वागत करती हूँ आप सबका ललिता किचन में। तो सबसे पहले व्रत स्पेशल थाली में बनाने के लिए सबसे पहले मैं साबूदाना का पूरी बनाना, तो उसके लिए सबसे पहले मैं आटा तैयार करूँगी। तो इसके लिए एक कढ़ाई मैं गैस पे रख दी हूँ, गैस ऑन करके, और 5 से 6 मिनट के लिए साबूदाना को भूनना है, यानी इसे ड्राई रोस्ट करना है। मीडियम फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करेंगे साबूदाने को और इसे ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो मिक्सी जार में डालकर इसका आटा बनाएंगे। तो ये देखिए, ये ठंडा हो गया है और मैंने इसे मिक्सी जार में डालकर इसका आटा बना लिया है और इसे अब साइड में रख देंगे। अब आइए गाजर का बनाएंगे हलवा। तो गाजर के हलवा बनाने के लिए 4 चम्मच डालेंगे घी। गर्मी का दिन है तो घी ऑलरेडी मेल्ट है, तो मेल्ट होने की ज़रूरत नहीं है, कढ़ाई गर्म है। अब इसमें ग्रेट किए हुए गाजर को डाल देंगे। तो ये देखिए, गाजर को डाल दिया मैंने। अब 3 से 4 मिनट के लिए गाजर को घी के साथ भून लेंगे। यानी तब तक भूनेंगे जब तक गाजर के जो है कलर चेंज नहीं हो जाते हैं। तो ये देखिए, 3 से 4 मिनट में गाजर को भून लिए, गाजर के कलर जो है चेंज हो गया है। अब इसमें मैं डालूंगी 1 कप फुल क्रीम दूध, फुल क्रीम मिल्क डालेंगे। मिल्क को मैं पहले से उबाल करके और ठंडा करके ले ली हूँ, उसके बाद डाली हूँ। कच्चा मिल्क नहीं डालते हैं हलवा में, उसका स्वाद सही नहीं आता है। जब भी हलवा में आप मिल्क ऐड करें तो बॉयल किया हुआ मिल्क को लें। तो ये बॉयल किया हुआ मिल्क है, इसे डालेंगे और 7 से 8 मिनट के लिए पकाएंगे गाजर को इस मिल्क के साथ। तो ये देखिए, 7 से 8 मिनट हो गए हैं और काफ़ी हद तक जो हलवा है वो पक गया है। अब इसमें मैं डालूंगी 1 छोटी कटोरी चीनी। चीनी आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो चीनी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए, मैं चीनी डाल दी। अब इसे मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए इसे और पकाएंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं और ये देखिए, गाजर का हलवा जो है तैयार है। अब मैं इसमें अभी और थोड़ा सा कुछ इसमें डालूंगी, मैं डालूंगी ग्रेट किया हुआ मावा। ये घर का मावा है तो इसे मैं ग्रेट कर ली हूँ और ग्रेट करके डाली हूँ 1/2 कटोरी और 2 हरी इलायची खोल करके डाल दूंगी। और 3 से 4 मिनट के लिए हलवा को और पकाएंगे, इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। खोआ मिलाने के बाद 3 से 4 मिनट ही पकाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। और आप चाहें तो ड्राई फ्रूट अपने पसंद के अनुसार इसमें डाल सकते हैं। मैं कोई ड्राई फ्रूट नहीं डालूंगी, मैं सिर्फ खोआ और इलायची डालूंगी। तो ये देखिए, 4 मिनट हो गए हैं और परफेक्ट जो गाजर का हलवा है बनकर तैयार है। अब आइए आलू का सब्ज़ी बनाएंगे। तो इसके लिए एक पैन रखेंगे गैस पे, और पैन गर्म हो गया है, इसमें डाल देंगे 4 छोटी चम्मच घी, 1 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे। घी डालने के बाद जीरा जब चटक जाएगी तो इसमें मैं 4 हरी मिर्च को काट करके ले ली हूँ, उसे डालूंगी। आप अदरक अगर व्रत में खाते हो तो अदरक भी ग्रेट करके ले सकते हैं। आप जो चीज़ खाते हैं वो ले लीजिएगा, जो नहीं खाते हैं उसे हटा दीजिएगा, उसे मत लीजिएगा। और 4 आलू मैं ले ली हूँ, जिसे बॉईल करके मैं बड़े बड़े साइज़ में से तोड़ ली हूँ और तोड़ करके ले ली हूँ हाथ से आलू को फोड़ ली हूँ, उसके बाद ली हूँ। तो इसे भी डालेंगे और आलू को फ्राई करेंगे अच्छे से। 4 से 5 मिनट के आलू को फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, 5 मिनट हो गए हैं और आलू जो है अच्छे से फ्राई हो गया है, आलू अच्छे से भुन गया है। अब एक बार और आलू को मिक्स करेंगे और आँच को धीमा कर लेंगे, यानी लो फ्लेम कर लेंगे, और इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसाले में मैं सिर्फ डालूंगी इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर और
एक चौथाई चम्मच काली मिर्च का पाउडर। मैं काली मिर्च को दरदरा कूट करके ले ली हूँ, आप उसका पाउडर भी ले सकते हैं, मैं दरदरा कूट करके ले ली हूँ। और स्वाद के अनुसार डाल देंगे आधा छोटी चम्मच यानी सेंधा नमक डालेंगे, व्रत वाली नमक डालेंगे, और इसे थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। और कुछ भी इसमें नहीं डालेंगे। अगर आप टमाटर खाते हो व्रत में तो आप टमाटर डाल सकते हैं, वरना आप बिना टमाटर का भी सब्ज़ी बना सकते हैं। तो ये देखिए 2 मिनट हो गए हैं और ये भी भून गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 कप पानी। आप सूखी सब्ज़ी बनाना चाहते हैं तो आप गैस बंद कर दीजिए और थोड़ी देर पका करके और हो जाएगा, सूखी सब्ज़ी तैयार है। और ग्रेवी वाले बनाना चाहते हैं तो 1 कप पानी मिला देंगे। तो मैं ग्रेवी वाला बनाऊँगी, तो मैं 1 कप पानी डाल दी हूँ और इसे अच्छे से ग्रेवी को 4-5 मिनट के लिए पका लेंगे। तो ये देखिए 5 मिनट के बाद ग्रेवी जो है सब्ज़ी के साथ अच्छे से पक गया है। ये ठंडा होने के बाद और भी ज़्यादा थिक हो जाएगा, तो इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। और 2 चम्मच हरा धनिया मैं डाल दी इसमें, और आधा लेमन जूस, हाफ लेमन जूस डाल देंगे, नींबू का रस, और गैस को ऑफ कर देंगे। और ये सब्ज़ी व्रत वाली जो सब्ज़ी है वो तैयार है बन करके, अब गैस को ऑफ कर देंगे। अब आइए अनार का रायता बनाएंगे। तो उसके लिए मैं 1 कटोरी फ्रेश दही ले ली हूँ, मीठी दही है फ्रेश, और 1 बड़े बाउल में इसे डालेंगे और मिक्स करेंगे। पहले दही को अच्छे से फेंट लेंगे, मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे आधा छोटी चम्मच सेंधा नमक यानी स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, और 1/4 चम्मच डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर यानी दरदरा कुटा हुआ काली मिर्च। तो मैं दरदरा कुटा हुआ डाली हूँ। अगर आप भुना जीरा खाते हो व्रत में तो आप ले सकते हैं, उसे डाल सकते हैं, और नहीं खाते हो तो मत डालिएगा। लाल मिर्च खाते हैं तो लाल मिर्च भी ले सकते हैं। तो मैं कोई भी मिर्च अभी नहीं डाल रही हूँ इसमें, और अनार को इसमें मिला देंगे और मिक्स करेंगे। और ये अनार का रायता है वो तैयार है। अब इसे ढक करके साइड में रख देंगे। अब आइए साबूदाना की पूड़ी बनाएंगे। तो जो साबूदाना का आटा बना कर रखे थे उसे 1 बड़े बर्तन में डालेंगे, और मैं 2 बड़े साइज़ के आलू को मैं ग्रेट करके ले ली हूँ, बॉयल किया हुआ आलू था। आलू पूरी तरह से ठंडा है, 3-4 घंटा पहले ही आलू को मैं बॉयल कर ली थी, और आलू बिल्कुल ठंडा है, उसे ग्रेट करके ले ली हूँ। और 1 छोटी चम्मच डाले हैं इसमें सेंधा नमक डालेंगे, और आधा छोटी चम्मच अजवाइन, और 1 बारीक कटे हुए हरी मिर्च, और इन सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छे से। आलू और साबूदाना के आटे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो ये देखिए मैं इसका आटा लगा ली। अब इसके लिए आइए पूरी बेलेंगे। तो छोटी सी लोइयाँ ले लेंगे और थोड़ा सा घी लगाएंगे लोई के ऊपर और बेलने चकले के ऊपर, और छोटे साइज़ का इसका पूरी बनाकर तैयार करेंगे। और इधर गैस ऑन करके मैं कढ़ाई में घी डाल देती, घी जो है मेल्ट हो गया है, और जब हाई घी जो है गर्म हो जाए तो ही इसे तलेंगे। थोड़ा सा एक छोटा सा टुकड़ा डालकर देखेंगे पूरी का, अगर वो तैर कर ऊपर आ जाएगा तो समझिए कि घी जो है अच्छे से गर्म हो गया है। और दोनों साइड से उलट पलट करके पूरी को तल लेंगे, सारे पूरी इसी तरीके से तल करके तैयार कर लेंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स, नवरात्रि स्पेशल व्रत स्पेशल जो है थाली बन करके तैयार है। बहुत ही स्वादिष्ट और यम्मी थाली बनी है, जिसमें मैंने बनाया है साबूदाना की पूड़ी, आलू की सब्ज़ी, अनार का रायता, गाजर का हलवा, और खीरा और गाजर का सलाद। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की ये व्रत स्पेशल थाली बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं फिर मिलूंगी एक न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।